जुन्नार देव विधानसभा सीट से इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। छिंदवाड़ा से ये खास खबर आ रही है। छिंदवाड़ा लोकसभा सीट फतेह करने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने झोंकी ताकत। दमुआ लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा पूरी तरह छिंदवाड़ा पर फोकस कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के गढ़ में पूरी तरह से ताकत झोंकी जा रही है। इसके लिए आज प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दमुआ में रोड शो किया और दीनदयाल चौक पर नुक्कड़ सभा की। मंच से गर्जे डॉक्टर मोहन यादव पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को लेकर सभा में जमकर बरसे। इस दौरान भाजपा बड़ी संख्या में शामिल हुए और मुख्यमंत्री के समक्ष अल्पसंख्यक युवाओं ने बड़ी संख्या में सदस्यता ग्रहण की। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी पुलिस अलर्ट नजर आए। जुन्नार देव विधानसभा से शब्बीर आलम की खास रिपोर्ट। चिल्लाते थे मोदी जी आएंगे तो देश में आग लग जाएगी, मुसलमान खतरे में पड़ जाएंगे, सबको पाकिस्तान भगा देंगे। किसको भगा दिया? तुम्हारे माथे पे ये कलंक है। जब देखो जब तुम डरा डरा के वोट लेते थे, आज यहाँ का हिंदू मुसलमान समझ गया है कल की ईद बनेगी तो रामनवमी भी बनेगी। ये दोनों आनंद आएंगे, आएंगे हमारे बीच में। अब की बार वो चलेंगे तो इतना अच्छा लगेगा, इधर मीठी ईद का आनंद आएगा और रामनवमी के हमारे यहाँ घर में पकवान बनेंगे। अब भी आनंद में, तुम भी आनंद में रहो। और अब नरेंद्र मोदी जी के कारण से तो पूरे दुनिया में झंडा फहरा रहा है भारत का। हमने सबने देखा है बदलते दौर का भारत, क्योंकि ये भारत अब वो भारत नहीं रहा है। हमको मालूम है केवल पाकिस्तान की छोड़ दो, पाकिस्तान ने पहले गलती की है, लेकिन पाकिस्तान को घर में जा करके जब सर्जिकल स्ट्राइक एयर स्ट्राइक से मारा तो भारत में फूटने वाले बम गोले बंद हुए कि नहीं हुए? और हमारे बगल में पाकिस्तान के पास में बांग्लादेश भी है, वहाँ की बेगम हसीना वहाँ की प्रधानमंत्री है, वो बहन अपनी मोदी जी को राखी भेजती है, मोदी जी उसके लिए साड़ी भेजते हैं। अरे हमारे साथ जो अच्छा व्यवहार करेगा हम उसके साथ अच्छा करेंगे, और कोई हमारा बुरा करेगा तो कोई हमने हम पीछे रहेंगे क्या? जैसे को तैसा। कमलनाथ समझ लो, आपको समझ लिया बहुत बार, आपकी पत्नी को भी समझ लिया और आपके बेटे में भी कुछ नहीं ये भी समझ लिया है। अब जनता मूर्ख नहीं है, जनता सब जानती है, विकास के साथ चलना पड़ेगा। आपके घर से उड़ के निकलने वाला हेलीकॉप्टर केवल आपका अधिकार समझ के घर में लाते हो, कोई एकाध दमू वाले को बिठा के ले गए क्या? कहीं घुमाया किसी को? आप में से किसी को घुमाया क्या? ये हेलीकॉप्टर का पेट्रोल आपकी मेहनत की कमाई का है, ये मजे कर रहे हैं और आप भूखे मर रहे हो, आप परेशान हो रहे हो, ये आपकी खजाने बंद हो रही। ये सबका हिसाब चुकता करने का निर्णय है, सबके साथ बदलते दौर का महत्व है। हम और आप संकल्प करें, हमारी सरकार ने आपने कहा 13 महीने मिले, समय नहीं मिला, लेकिन 13 महीने भी जनता के लिए कुछ नहीं करा। जितना झूठ बोले ये खदाने चालू करवा देते, करा क्या? ये नए और क्वार्टर बनवा देते, क्वार्टर बनवाए क्या? तो ये परेशानी किसने दी? ये इधर नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, गरीब आदमी को मकान दे रहे, पक्के बनाकर दे रहे कि नहीं दे रहे? जोरदार तालियां मोदी जी के लिए। क्या हिंदू क्या मुसलमान, सबको जो गरीब आदमी है उसको मकान दे रहे हैं, उसका पीने के पानी का नल दे रहे हैं, 5 लाख तक का आयुष्मान का कार्ड दे रहे हैं, ये सारी चीजें भाजपा दे रही है। और आगे आने वाले समय में बताता हूँ, हेलीकॉप्टर किसको कहते हैं? 3 महीने का कम समय हुआ है और आयुष्मान कार्ड सबने बनाए हैं, आपके यहाँ बने के नहीं बने आयुष्मान कार्ड? तो आपके माध्यम से कोई भी बच्चा बूढ़ा जवान आपके घर एम्बुलेंस आके ले जाए और भर्ती कर देगी हॉस्पिटल में, और डॉक्टर ने कहा कि और बड़ी जगह ले जाना पड़ेगा इसको, इसकी गंभीर बीमारी है, इसकी जान बचाना पड़ेगी। हमारी सरकार ने फैसला किया हेलीकॉप्टर पे गरीबों का अधिकार होगा, एयर एम्बुलेंस आकर के डॉक्टर और कलेक्टर तय कर देंगे, हेलीकॉप्टर ले जाएगा उसको। ये हमारी सरकार ने कर, अरे हेलीकॉप्टर बड़ी बात थोड़ी है, हमारा व्यक्ति बीमार हुआ उसको बड़ी जगह पहुंचाना है, जबलपुर पहुंचाना, भोपाल पहुंचाना, नागपुर पहुंचाना, तो क्यों नहीं चले जाएंगे हेलीकॉप्टर? ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये हमारी सरकार ने तय किया। ये ऐसे विद्वान, ऐसे बड़े अपने आप को महान मानने वाले, लेकिन 13 महीने में उनका मन नहीं करा कि गरीबों को भी ये हक दे दो। एक नहीं, दो नहीं, लगातार ऐसी कई